नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन ड्रा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करेंगे खुशखबरी को लेकर, बड़ी खुशखबरी के बारे में जो कि संबंधित है यूपी डबल एससी पीईटी रिजल्ट के बारे में। कल ही मैंने देर शाम को एक वीडियो बनाकर आप सभी को जानकारी दी थी कि पीईटी का जो परिणाम है वो 1 से 2 दिनों के अंदर जारी कर दिया जाएगा, और मैंने आप सभी को ये भी बताया था कि जो पीईटी का परिणाम होगा उसके लिए आपको ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। 24 तारीख के बाद कभी भी आयोग की तरफ से आपका जो परिणाम है ऑफिशियल वेबसाइट पर घोषित कर दिया जाएगा। यूपी डबल एससी पीईटी को लेकर जो परिणाम है ऑफिशियल वेबसाइट पर घोषित कर दिया गया है, जो भी संबंधित अभ्यर्थी upwsc.gov.in पर जाकर अपना परिणाम चेक कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों आप सभी को यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, अगर बात की जाए पीईटी 2021 को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाता है 28/10/2021 के क्रम में, अपना स्कोर कार्ड आप सभी यहाँ पे जाकर चेक कर सकते हैं। जैसे ही आप सभी यहाँ पे क्लिक करेंगे ऐसे आप सभी को डालना होगा अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, उसके बाद में अपनी डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, और उसके बाद आप सभी को यहाँ पे एंटर अपना वेरिफिकेशन कोड डालना होगा, और उसके बाद सारी की सारी चीजें आप सभी के सामने स्पष्ट हो जाएंगी। तो पीईटी का परिणाम घोषित हो चुका है, आप सभी को कमेंट करके बताना है आपका कितना स्कोर बन रहा है, किस प्रकार आप सभी की नॉर्मलाइजेशन देखने के लिए मिली है, और क्या क्या आप सभी को लाभ मिले कमेंट करके अवश्य बताइएगा। पीईटी 2021 का जो परिणाम है यूपी डबल एससी की तरफ से घोषित कर दिया है, जिसकी जानकारी सबसे पहले आप सभी को इस चैनल के माध्यम से दी जा रही है। अगर बात की जाए कट ऑफ को लेकर तो आप सभी जानते हैं कि अब लेखपाल भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी किया जाएगा, जिसके अंदर आप सभी को कहीं ना कहीं 15 गुना अभ्यर्थी को क्वालिफाई किया जाएगा। फिलहाल आप सभी स्कोर कार्ड यहां से चेक कर सकते हैं, कट ऑफ को लेकर जानकारी आयोग के माध्यम से बाद में दी जाएगी, और जो भी अपडेट होगी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। तो यूपी डबल एससी पीईटी को लेकर ऑफिशियल वेबसाइट पर आपका परिणाम जारी कर दिया गया है, अब यहां से जल्दी लेखपाल भर्ती का विज्ञापन भी जारी होगा। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें ज्यादा से ज्यादा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।